हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉट्स रीलोडर के एक और स्पेक्टिसिज्म ड्रीम में। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको ये वीडियो इंग्लिश में सुनना है या हिंदी में सुनना है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को हिंदी में सुनना है तो यहाँ बने रहो, इंग्लिश में सुनना है तो लेटेस्ट वीडियोस में इंग्लिश कॉपी भी डाल दी है, सो वो भी चेक कर लो। सो गाइस, आप बात करते हैं आगे। सो गाइस, स्पेक्टिसिज्म ड्रीम में आज की स्टोरी ये है कि ये स्टोरी पहले तो एनिमेशन बेस्ड है और ये स्टोरी है एक पापा की और उसके बच्चे की। माँ को इस बार स्टोरी में नहीं रखा है, तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी का कंडीशन ऐसा था कि पापा ऑफिस में जाते थे, काम करते थे, उनका का बॉस उनको काम देता था और बच्चे की भी कहानी वैसी ही रहती थी। अभी बच्चे को तकरीबन एक बहुत कम समय हुआ था एज कम्पेयर टू उसके पापा, जो कि एक लंबे समय से काम कर रहा है ऑफिस में। तो मतलब ऑफिस का काम काफी हद तक के डॉक्यूमेंट वर्क होता है, लीगल वर्क होता है, जो कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है उसको काम करने के तरीके, उससे बॉस से फिर डील करना, फिर टारगेट्स को अचीव करते रहना और कभी कभी तो काम बढ़ भी जाता है। इस टाइप का सिनेरियो ऑफिस में था, जिसकी वजह से जैसे जो पापा रहता था वो अक्सर ऐसे बहुत ही शांत उदास सा चलता था। लेकिन हर शाम को जब वो अपने बच्चे से मिलता था तब वो अपने बच्चे से मिलके खुश हो जाता था। फिर अभी ये तो गई एक पापा की लाइफस्टाइल, जो कि इस स्टोरी में अपन बात कर रहे हैं। फिर आती है एक बच्चे की लाइफस्टाइल। बच्चे की लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक के अच्छी गई, क्योंकि उसके पास भी बॉस की जगह पे टीचर थे। टीचर्स उसको असाइनमेंट देते थे, वो असाइनमेंट अलग तरीके से कर देता था। अलग तरीके से मतलब उसको बोला गया कि आपको ए से जेड तक के लिखना है, तो ड्राइंग्स बना देता था। जैसे ए का भालू बन गया, बी के दो बॉल ऊपर नीचे हो गए, सी का और कुछ बन गया, इस टाइप से। इसका मतलब वो ड्राइंग बना देता था। सो पहले स्टार्टिंग में बच्चा खुशी खुशी ये सब चीज़ें करता था। टीचर्स उसको डांट भी करते थे, लेकिन उतना माइंड नहीं करता था। वहीं अगर उसके पापा को डांट पड़ गई तो उसके पापा को टेंशन आ जाता था कि अपना क्या होगा, कैसे होगा। तो इस टाइप की चीजें थी। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते टीचर ने असाइनमेंट्स बढ़ाते चले गए, तो बच्चा और ज़्यादा ड्राइंग बनाने लगा। उसी पे टीचर से डांट भी पड़ती थी, लेकिन वो उतना माइंड नहीं करता था। फिर उसके बाद में वो शाम को अपने पापा से आके मिलता था, इतना कुछ बताता था। पहले पापा ने माइंड नहीं किया। फिर उसके बाद में क्योंकि उसके पापा के लिए एक ओनली सोर्स बचता था उसका बच्चा खुश होने के लिए, तो जो भी बताया जैसे बताया सुन लो, बिकॉज वही उसके लाइफ में खुशी वाली चीज़ बाकी रह गई थी। इसी के साथ ये उनका रेगुलर रूटीन था। फिर एक दिन पापा को लगा कि अपन को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अपन खुश अपने बच्चे को लेके होता है तो उसका फ्यूचर भी सेफ रहना चाहिए और उसको भी एक सिक्योर फ्यूचर मिलना चाहिए। तो फिर उनने जब उसके असाइनमेंट्स वगैरह देखे तब उसको अच्छा खासा डांट दिए, क्योंकि वो असाइनमेंट के चलते बेसिकली ड्राइंग्स बना रहा था, जो कि असाइनमेंट होता ही नहीं, मतलब जो कि असाइनमेंट से बहुत ही ज़्यादा अलग हुआ था। तो इस टाइप का सिनेरियो अब तक के उसको अच्छी खासी डांट पड़ गई। फिर बच्चे ने सोचा कि चलो ठीक है, होता है। फिर उसके बाद में उसके पापा ने उसके रेगुलर असाइनमेंट्स चेक करना शुरू किया। रेगुलर असाइनमेंट में वो ऐसे ही करने लगा। उसने उस दिन इग्नोर कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी डांट मतलब उसके पापा उसको और डांटते गए तो फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, मान लेते हैं। अभी वैसे तो खुशी खुशी नहीं माना था, डांट खा के माना था, तो चीज़ें माना मतलब उसके लिए मानना बहुत मुश्किल था ये सब चीज़ें, बट फिर भी उसके पापा ने बोला तो वो मान लिया। फिर उसके बाद में उसके पास एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था, गाने वाला। आई मीन वो अक्सर एक आदमी का गाना जाके सुनता था, तो उसके पापा ने वो भी बंद करवा दिया। उसका गाना सुनता है तो अपना टाइम बर्बाद कर देगा, तेरे को पढ़ना चाहिए, इस बेसिस पे उनने वो भी बंद करवा दिया। सो जब इतना कुछ हो गया तब बच्चा भी उदास रहने लगा, क्योंकि उसके पास भी एंटरटेनमेंट सोर्सेस कुछ रहने नहीं लगे। वो भी अपना असाइनमेंट पर फोकस करने लगा, उदास रहने लगा। फिर उसके बाद में उसके पापा जब भी मिलते थे एकदम शांत सा उदास था, कभी कभी चिढ़ा रहता था, इस टाइप की चीज़ें देखा। फिर उसके पापा ने जब उसके कुछ समय बाद काफ़ी दिन तक ऐसा चला, जिसकी वजह से पापा को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पापा को भी लगा कि अपना बच्चा उदास क्यों है गया। तो फिर उसके बाद में उसके पापा ने जब उसके असाइनमेंट्स खंगाले वापस, जो पुराने असाइनमेंट्स जिनकी वजह से पहले उसको डांटा था, तो उन्होंने देखा कि ये कहीं ना कहीं चीज़ों में क्रिएटिविटी देख रहा है। और रेगुलर असाइनमेंट के फॉर्मल असाइनमेंट को फॉर्मल करने के बेसिस पे इसकी क्रिएटिविटी कम हो गया। तो फिर उसके बाद में उसके पापा ने ऐसा किया, उसके पापा ने उसके पुराने असाइनमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। टीचर्स फिर भले जो भी बोले, बट उसके पापा ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। तो बच्चा खुश होने लगा कि हाँ अच्छा हुआ। फिर उसके बाद में जिस जगह पे गाना ना सुनने जाता था, उस जगह पे उस दिन उसके पापा भी चले गए। तो गाना वाला का नोटिस, मतलब गाने वाले ने बोला कि अब मैं आज से गाना बंद कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे दूसरी जगह जाना है, तो मैं गाना बंद करूँगा। तो बच्चा फिर उदास हो गया कि अपना इंटरटेनमेंट सोर्स खत्म हो गया। तो उसके पापा ने अपना जॉब छोड़ दिया और उसके पापा ने गाना गाना शुरू कर दिया। उसके पापा का पहले कभी पैशन रहा होगा गाना गाना, तो वो उन लोगों ने इस बार कंटिन्यू कर लिया। सो ये था एक स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब बात करते हैं इसके मॉरल को लेके। सो मॉरल सिंपल सा है। मॉरल जानने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मॉरल ऐसा है कि आप जो करते हो जरूरी नहीं कहीं ना कहीं उसमें, मतलब आप अपने कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए कोई चीज़ करते हो, बट अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसका गोल नहीं, सिर्फ प्रोसेस ही प्रोसेस है और उस प्रोसेस से छोटे मोटे आउटपुट मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में वापस झाँक के उस प्रोसेस को स्टार्टिंग से बदलने के बारे में सोचना चाहिए। लाइक यहाँ पे उसके पापा ने पहले नहीं, मतलब बच्चे के पापा ने पहले इस बारे में सोचा, फिर उन लोग सोच नहीं पाया। तो फिर उन लोगों ने एंड में गाना गाना एक बहुत ही ज़्यादा छोटा प्रोफेशन माना जाता है एज कम्पेयर टू जॉब, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी, जॉब फ्रीडम वगैरह रहती है। लेकिन गाना गाना उनका पैशन था, तो बिना पैसों की चिंता किए उन्होंने ये पैशन अपनाया। सो ये थी नॉट्स रीलोडर की तरफ से आज की स्टोरी। होपफुली आप लोगों को ये स्टोरी समझ गई होगी। तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनको भी अच्छा लगे। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।